नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा अमेजोन पे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। अप्रूव्ड हो चुका है, थंबनेल में आपने देखा होगा 90,000 की क्रेडिट लिमिट वहां पे मुझे मिली है। क्या क्या स्टेप है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो पहली बार देखे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। आपको बताना चाहूंगा कि जो क्रेडिट कार्ड है ऑलरेडी मुझे रिसीव हो गया है। जब मैंने अप्लाई किया था तब मुझे पता नहीं था कि कितनी क्रेडिट लिमिट मिली है, इस वजह से मैं रुका हुआ था। 25 तारीख को मैंने अप्लाई किया था और आज ये रिसीव हो चुका है और इसकी अनबॉक्सिंग आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। और इसमें 90,000 की क्रेडिट लिमिट मिली है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि कैसे आप अप्लाई इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन देखिए, होम पेज पे आपको दिख जाएगा, जो अमेजोन पे वाला सेक्शन आप खोलेंगे तो वहाँ पे अमेजोन पे का जो क्रेडिट लिमिट है वो भी आपको देखने को मिलेगा। और उसको स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे अमेजोन पे आईसीआईसीआई कार्ड अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर वो ऑप्शन नहीं आ रहा है तो शायद आपको नहीं मिलेगा। अगर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने काफ़ी समय तक इंतजार किया, काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ अमेजोन ऐप को शॉपिंग के लिए। और वहाँ पर अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा 10,000 की क्रेडिट लिमिट मिली है अमेजोन पे लेटर में। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से ही हो सकता है कि ये जो यहाँ पे लिमिट मुझे मिली है क्रेडिट कार्ड की, जो मैंने अभी आपको दिखाया, वो मिली है 90,000 रुपये की। तो अप्लाई नाउ पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर आपसे मांग लिया जाएगा, आपको कर देना है कंटिन्यू। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि इसमें 5% कैशबैक रिवार्ड पॉइंट्स और लाइफ टाइम फ्री नो एनुअल चार्जेस के साथ आपको ये मिल जाता है। तो इसके बाद जैसे ही आधार नंबर पैन नंबर डालेंगे, कंटिन्यू आपको कर देना है। आपके पास एक चला जाएगा ओटीपी। ओटीपी जाने के बाद आपसे पूछ लिया जाएगा आपकी पर्सनल डिटेल, वहाँ पे आपको फुल नेम आपका ऑलरेडी आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आपने जो पैन नंबर में डाला होगा वही वाला यहाँ पर उठा लेगा, जेंडर आपको लिख देना है, मैरिटल स्टेटस लिखना है, आपकी शादी हुई है नहीं वो लिखना है। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी डालना है वहाँ पर। ईमेल आईडी डालने के बाद फैमिली रेफरेंस भी आपको एक देना होगा यहाँ पर, उनका नाम और मोबाइल नंबर। और साथ ही साथ जो ईमेल आईडी के नीचे आपको आपके मदर का नाम, फादर का नाम डालने के बाद आप देखेंगे नीचे ऑप्शन में सिटी, आपका विलेज वगैरह वो सब पूछ लिया जाएगा। और आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, यानी कि आप कमाते कैसे हैं, वो आपसे पूछ लिया जाएगा। तो वो आपको यहाँ पे डाल देना, मैंने बिजनेस इनकम डाला हुआ है, और वहाँ पे टिक करना है इसको, तो टर्म एंड कंडीशंस वाला सेक्शन है उसको जैसे ही करेंगे आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप कौन से एड्रेस पे आप इसको डिलीवर करवाना चाहते हैं इस कार्ड को। उसके बाद वहाँ पे मैंने ऑफिस वाला सिलेक्ट किया था और आप चाहें तो रेजिडेंस वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपकी हो जाएगी एक वीडियो कॉल KYC। वीडियो कॉल KYC करने के बाद आप ये बता दूं कि वहां पर क्या क्या पूछा जाता है। तो जो और वीडियोस में मैं बताता हूं कि KYC करते समय क्या क्या पूछा जाता है, वही सब इसमें भी पूछा जाता है। पैन नंबर आपकी फोटो ले ली जाती है, पैन नंबर बोल रहा हूं पैन कार्ड की। ब्लैंक पेज पे आपको सिग्नेचर करना होता है, जो कि वो सिग्नेचर ले लेते हैं। उसके बाद वीडियो KYC करते समय आपसे कुछ डिटेल्स भी पूछी जाती है, जो कि आपको कैमरे में देख करके बोलना है, इधर उधर नहीं देखना है और किसी थर्ड पर्सन की आवाज नहीं आनी चाहिए, नहीं तो वीडियो KYC रिजेक्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ चैट आपको दिखाना चाहूंगा जो मेरी वीडियो KYC के दौरान हुई थी। तो वो यहाँ पे चैट भी खुला रहता है और अमेजोन का जो KYC आप वीडियो KYC करते हैं वो भी खुला रहता है। उसके बाद जैसे ही वीडियो KYC कंप्लीट होती है, कंप्लीट होने के बाद आपका सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है, कंटिन्यू शॉपिंग एट अमेजोन सर्च लिखा है, तो वहां पर आप जा सकते हैं। इसके बाद आपको करना होता है इंतजार और आपका एप्लीकेशन, देखिए नोटिफिकेशन भी आपको आ जाएगा एप्लीकेशन नंबर के साथ कि आपका जो KYC है वो हो चुका है और आपको जो कार्ड है वो अप्रूव्ड होगा या नहीं वो कुछ समय बाद आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जैसे ही वो हो जाता है, उसके बाद आप जैसे ही दोबारा से अमेजोन पे वाले सेक्शन में जाएंगे या फिर जो इसमें आपको लिंक दिख रहा होगा उस पर अगर आप जाएंगे तो वहां पे आप अपना OTP के जरिए, यानी कि आप नंबर डालेंगे फिर OTP आपको चला जाएगा, तो वहां पे आप एप्लीकेशन स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं। तो वहां पे आपको नंबर डाल देना है, OTP डालेंगे, वेरीफाई हो जाएगा और आपको जो भी डिटेल्स होगी वो आपको दिख जाएंगी। जब मैं ये कर रहा था और जब मैंने ये अप्लाई किया था तो मुझे वहाँ पे प्रोसेस अंडर प्रोसेस में दिखा रहा था कि आपको अभी जो आपका अकाउंट है वो अंडर प्रोसेस है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक मैसेज मुझे रिसीव होता है कि आपका जो कार्ड है वो अप्रूव्ड हो चुका है। और यहाँ देखिए मैसेज में लिखा भी रहता है कि जो ICICI बैंक का है क्रेडिट कार्ड वो अप्रूव्ड हो गया है, ऑनलाइन अनेबल आप कर सकते हैं जा करके। तो मैंने उस लिंक पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये ऐसा कुछ सेक्शन खुल गया, अनेबल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑन योर कार्ड, तो इस तरह से आ रहा था लेकिन वहां पे मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा था। तो इससे जैसे मुझे कार्ड रिसीव हुआ है तो अब कैसे आपको लॉगिन करना है उसके बारे में डिटेल में आपको वीडियो बना करके मैं दे दूंगा। उसके बाद एक मैसेज और आपको रिसीव हो जाता है कि जो टर्म एंड कंडीशंस हैं या फिर जो इसमें उनका लिखना है कि आई मोबाइल पे ऐप आप यूज कर सकते हैं इसको,
मैनेज करने के लिए जो कार्ड है उसको, और ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक मेल भी आपको रिसीव हो जाता है कि आपका कार्ड जो है वो अप्रूव्ड हो चुका है और आपका जो कार्ड है वो आपके एड्रेस पर डिस्पैच कर दिया गया है। विद इन 7 वर्किंग डेज में आपको ये रिसीव हो जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 25 मार्च 2023 को मैंने अप्लाई किया था और ये कार्ड मुझे आज रिसीव हो गया है। जब ये वीडियो आपको मिल रही है, आज डेट है 28 मार्च 2023, तो ये लगभग 3 से 4 दिन आप समझ सकते हैं कि 3 से 4 दिन के अंदर मुझे ये रिसीव हो चुका है और ये इसकी अनबॉक्सिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसकी जो क्रेडिट लिमिट है वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मुझे मिला हुआ है 90,000 रुपये की। और जो कार्ड है वो आपको अप्लाई करना है अमेजोन पे वाले सेक्शन में जाकर के, अगर आपको अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है तो। लाइफ टाइम फ्री है और आपको यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग फीस वगैरह भी नहीं देनी है और ना ही कोई अदर चार्जेस मैंने अभी तक देखा है। बात करूँ जो और चार्जेस लग सकते हैं, वो अगर लगेंगे तो अगर आप ओवर ड्यू करते हैं या फिर लेट पेमेंट करते हैं तभी वो चार्जेस आपको देखने को इसमें मिल जाएंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पर कोई चार्जेस देखने को नहीं मिलता है। बात करता हूँ कि जो ये कार्ड मुझे रिसीव हुआ है आप यहाँ पर देख रहे होंगे, और ये जो कार्ड है इसकी अनबॉक्सिंग पूरी तरह से आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से ये जो कार्ड है कुछ दिखता है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और यहीं पर आपकी क्रेडिट लिमिट वगैरह लिखी रहती है, वो मैं यहाँ पे फोटो भी इसकी लगा दूंगा। 90,000 की क्रेडिट लिमिट मिली है और कैश विड्रॉल लिमिट सिर्फ 900 रुपये है। इसमें सिर्फ 900 रुपये कैश विड्रॉल कर सकता हूँ, लेकिन ये आपको कहना चाहूंगा कार्ड, क्रेडिट कार्ड कोई भी हो, आप अगर विड्रॉल करते हैं तो कुछ चार्जेस आपको देना पड़ता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तभी आप विड्रॉल करें, नहीं तो आपको चार्जेस का सामना करना पड़ सकता है। और इसी में कैशबैक की इसकी बात करूँ तो 5% कैशबैक अमेजोन फॉर प्राइम कस्टमर्स के लिए है, 3% कैशबैक आपको मिल जाएगा अमेजोन नॉन प्राइम कस्टमर्स को, और 2% कैशबैक आपको मिल जाएगा अमेजोन पे जो पार्टनर्स हैं वहां पर अगर आप कार्ड को यूज़ करते हैं तो आपको कैशबैक देखने को मिल जाएगा, और 1% कैशबैक आपको ऑल अदर इस पेमेंट आप करते हैं वहां पर यहां लिखा हुआ है कि आपको मिल जाएगा। अगर इसकी बात करूँ तो पीछे कैसे आपको पिन जनरेट वगैरह करना है सब कुछ आपको देखने को इसमें जो वेलकम लेटर है मिल जाता है। तो इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आप देखना, उसमें काफ़ी डिटेल में आपको बताऊंगा, और कैसे आपको इसका पिन जनरेट करना है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा आने वाली वीडियोस में। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि अगर आपके पास जो ये कार्ड है तो उसकी क्रेडिट लिमिट कितनी है। मेरी 90,000 है और ये कार्ड इससे पहले पेटीएम HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड था, उसमें 38,000 की लिमिट थी, और ये अब सबसे हाईएस्ट कार्ड जो है मुझे क्रेडिट लिमिट का मिला है 90,000 रुपये का। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, कुछ ऐसा है जो मैंने इसके बारे में नहीं बताया इस वीडियो में तो भी कमेंट कर सकते हैं डिटेल में, ताकि मुझे भी पता चले, लोगों को भी पता चले। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।